subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan English Writing Skill. 9th, 10th, 12th class English expansion of theme idea. Let's begin. अगर आपको हमारा वीडियो शुरू पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. एक्सपैंड द प्रोवर्ब वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे इन अबाउट 12 to 15 लाइन्स. 12 से 15 लाइन में प्रोवर्ब को हमने एक्सपांशन करना है. वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, यानी जहाँ चाह है वहाँ राह है. इसके स्टेप्स क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द प्रोवर्ब इन सिंपल वर्ड्स, यानी आसान अल्फाज में आपको ये प्रोवर्ब के मानी बताना है. एग्जाम्पल्स एक्सपीरियंसेस टू प्रूव द प्रोवर्ब एंड कंक्लूजन, कुछ मिसालें और तजुर्बात भी बयान करना है और उसका अख्तिताम करना है. चलिए इसका जवाब देखते हैं. वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है. सक्सेस एंड अचीवमेंट इन लाइफ आर नॉट पॉसिबल विदाउट स्ट्रॉन्ग विल, कामयाबी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं अगर आपके दिल में शदीद ख्वाहिश ना हो. All great personalities and personages who have left permanent prints of their lives on the society are the men and women who had indomitable, invincible will. जिन हजरात ने, जिन शख्सियत ने लोगों की ज़िंदगी पर दूर रस असरात मुरतब किए हैं, समाज के लिए नई राह बनाई है, ऐसे आदमी और औरतें ये अपने आप में बहुत मेहनत करते हैं. इफ़ वी डिटरमाइंड टू डू समथिंग वी विल गेट इट डन ओनली व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे दिल में शदीद ख्वाहिश होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल ओवरकम अ नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज टू फाइंड द राइट पाथ टू सक्सेस, दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर सक्सेसफुल. बहुत सारे जो कामयाब तरीन लोग हैं वो बहुत मुश्किल का सामना करते हैं और यही वजह है कि वो कामयाब होते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ हेलन केलर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, धीरू भाई अम्बानी एंड मैनी अदर एप्ली प्रूव द प्रोवर्ब. ये बहुत सारे मिसालें हैं, जैसे कि हेलन केलर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, धीरू भाई अम्बानी है, जिन्होंने इस मिसाल को सही ठहराया है. विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन हेल्प अस टू मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, यानी जो आपकी शदीद ख्वाहिश है और आपका जो डेडिकेशन है वो नामुमकिनात को मुमकिन बनाते हैं. ओनली इफ़ वी हैव द विल टू विन वी शुड श्योरली फाइंड आर वे सूनर और लेटर, अगर हमारी किसी चीज़ को पाने की तमन्ना होती है तो हम उसे जल्द या देर से पा लेंगे. वॉट एवर इन्वेंशंस आर सीन टू डे वेर अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम वन डे, आज जो भी इजादात दिख रही एक मरतबा वो मसाइल थे. बट द विल एंड हार्ड वर्क ऑफ द इन्वेंटर्स फाउंड देयर सॉल्यूशंस, इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल फॉर द पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, जो भी इन्वेंटर्स ने, मौजूद लोगों ने सख्त मेहनत की, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और हल निकाला. एवरी सक्सेसफुल मैन फेल्स मेनी अ टाइम्स बट दिस विथ अनशेकन फेथ एंड स्ट्रॉन्ग विल ही बिकम सक्सेसफुल वन डे, हर कामयाब तरीन शख्स एक मरतबा नाकाम ज़रूर होता है, कई मरतबा नाकाम होता है, लेकिन दिल में अगर शदीद जज्बा हो और भरोसा हो तो वो कामयाब हो सकता है. थिंक हाई, ट्राई योर बेस्ट विदाउट बीइंग डॉन्टेड बाय द ऑड्स ऑफ द पाथ एंड सक्सेस इज योर्स, वन स्टेप एट अ टाइम एंड दैट विल प्लेस्ड विल टेक यू टू द ग्रैंडेस्ट हाइट, यानी एक मरतबा आपने कोशिश करेंगे तो नाकाम रहेंगे, दूसरी बार बार में कोशिश करते रहेंगे तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे, कामयाबियों की बुलंदियों को छुएंगे. द ओनली थिंग इज़ टू स्टार्ट विद फर्म डिटर्मिनेशन स्ट्रांग विल एंड द वे इज़ योर्स, जो चीज़ है आपको अपनी ज़िंदगी में शुरू करना है वो आपको अपना अहद है और शदीद ख्वाहिश है. दिस इज़ द राइट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, वी शुड कंसिडर दिस थिंग होल हार्टेडली, और हमें समझना चाहिए कि जो मौका होता है वो ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके दिल पर दस्तक देता है और मौके के लिए आपने कोशिश करते रहना चाहिए, दिल से उसे कबूल करना चाहिए, तब आप कामयाबी पाएंगे. सो इट इज़ राइटली सैड वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, इसीलिए कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है. उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी.